स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय गुरुजी नवीन जोशी सर ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया ना कि ऐसा लगता है कि कभी ये खंडित ना हो, मतलब ये हमारा सेशन कंटिन्यू चलता रहे। आप लोगों ने भी देखा हुआ, 2 दिन नहीं हुआ तो इसे सुना सुना लग रहा था और आज सब लोगों को इतना प्रसन्न लग रहा है कि फिर से शुरू हो गया। ठीक है आदरणीय सर, कृपया आप ये पढ़ दीजिए 41 नंबर का श्लोक। जी 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 वैद्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग नियमित रूप से निरंतर रूप से इसकी निरंतरता को बनाए रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये अपने आप में एक साधना है कि किसी भी सत्र को प्रारंभ प्रातः काल में निरंतर रूप से जारी रखना। और लगभग लगभग मुझे लगता है कि ये 1.5 साल से लगभग ये सत्र भी चल रहा है। 2 साल क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा को हो चुके हैं और ये भी 1.5 साल से चल रहा है। हजारों लेक्चर्स हैं, कभी कभी तो मुझे उन लेक्चर्स को एडिट करने में ही इतनी समस्याएं आ जाती है कि वो इतने लेक्चर्स हैं कि वो कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारा। तो ये बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी बना दी है आप सभी लोगों ने मिलके, जो आने वाले समय में हमारे वैद्यों का कई कई वर्षों तक ये मार्गदर्शन करती रहेगी। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ त्रिविध तक्र का प्रयोग। रुक्षम अर्थ 42 पढ़ना है। अच्छा, तक्र प्रयोग का गुण, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा एक सूत्र है। न विरोहन्ति गुदजा पुनः तक्र समाहता, आगे वाला शायद ऊपर होगा जी। दीपनम रोचनम आगे आगे ऊपर है। भूमावपि तृणोलुपम, तक्र से नष्ट किए अर्स दोबारा उत्पन्न नहीं होते क्योंकि भूमि पर डाली हुई तक्र तिनकों के ढेर को भी जला देती है, यानी कठोर तिनकों को भी जला देती है, फिर वो कोमल मांस को तो अवश्य जलाएगी। तक्र की श्रेष्ठता बताइए जी वैद्य जी। मैं डॉक्टर उषा मैम को बुलाना चाहूंगा। उषा मैम, शायद आपके गुजरात में लोग तक्र जरूर पीते हैं, तो उसका साइंस क्या है आपके हिसाब से, आप बताइए। आप डॉक्टर हैं, कितनी अच्छी डॉक्टर। नमस्कार सर जी, प्रणाम बताइए। प्रणाम सभी को। हेलो सर, थोड़ा मेरा नेटवर्क का इश्यू रहेगा क्योंकि मैं आउट बाहर जा रही हूँ ना थोड़ा, तो इसके कारण। बताइए मैम, सुनाई दे रहा है आपका आवाज। हाँ नहीं दे रहा है सर। हाँ सत्र का तो एक्चुअल में सर गुजरात में तो बहुत ही अच्छा महत्व दिया ही गया है कि खाने के बाद मोस्टली सभी घरों में रहता ही है सर, क्योंकि दीपन पाचन के लिए भी अच्छा है। उसमें अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जैसे कोई सूखी का अंदर डाल के करते हैं, कोई मैंने तो वो भी देखा है कच्चा
लहसुन जो है उसमें थोड़ा सा पीस के वैसे भी खाते, कभी जीरा भुना हुआ जीरा लेते उसमें सेंधा नमक डाल के वैसे भी खाते हैं सर। तो अलग उसमें सौराष्ट्र साइड में तो और भी अच्छा है ऐसा, मोस्टली सभी गुजरात में सभी जगह पे है, सौराष्ट्र में तो बोलते कि उसका कुछ नहीं बोलते ऐसा बोलते हैं। हाँ सर, हाँ थैंक यू। और आप लोग का कोई अनुभव है तो बताइए। नवजोत कौर मैम, पंजाब का जो टक्कर होता है वो कैसा होता है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, आप लोग के खाने में कंपलसरी होता है। हेलो, हाँ मैम बताइए। उषा मैम हेलो। हाँ जी मैम, कंपलसरी दोपहर में रहता है सर जी, दोपहर में ज्यादा रहता है ऐसे। हाँ, मगर कई कई घरों में तो दोनों टाइम पीते हैं, मगर सीजन वाइज ऐसे देखा जाए तो समर में सबसे बेस्ट माना जाता है कि वो लेना ही चाहिए। बाकी तो उसके साथ कुछ जी शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उषा मैम की उधर से, ऐड करके लो तो और उसका गुण तो ऐसे बोलते कि तकर का। मैं वही सर बाहर जा रही हूँ ना इसलिए, एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी जगह पे जा रही हूँ अभी। यहाँ का जो आयुर्वेद का हमारा पूरा ग्रुप है ना, तो एक ऐसी जगह है वहाँ काड़ो डूंगर बोलते, गुजरात के जो भी हो उनको मालूम होगा, वहाँ तीन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक साइड में रण प्रदेश है, दूसरा सी पोर्शन है, और एक उस जगह पे एक हिल स्टेशन, एक ही जगह पे आपको तीनों दिखेगा। तो वहाँ हम लोग औषधि का पूरा देखने में जा रही हूँ, जो अलग अलग औषधि का संशोधन करते हैं ना वैसे, तो पूरा हमारा शायद 55 जितना डॉक्टर का ग्रुप है, तो तीन दिन के लिए वही है, रात में पूरा जंगल में ही रहना है। तो अभी वही मॉर्निंग में ही जा रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी, शायद जो वहाँ नेटवर्क मिलेगा तो मैं उसका पिक्चर या वीडियो शेयर करूंगी सर। ओके सर, थैंक यू। और आपकी माता जी का तबियत कैसी? सब ठीक है, सब अब एकदम ठीक है, एकदम 100%। आप लोग का नाम क्या बताएं? नहीं सर, सब ठीक हो गया क्या? काड़ो डूंगर वो कच्छ, कच्छ के एक्चुअल में वहां ऊपर से खड़े रहते हैं तो पाकिस्तान की बॉर्डर दिखती है, रात में उसमें लाइट वगैरह दिखती है पाकिस्तान की। मैं आपको अच्छा। वीडियो थोड़ा भेजूंगी, देखो नेटवर्क मिलेगा तो पक्का भेजूंगी। मैं जाती हूँ ऐसे, आप जाइए मैम, और आप इतना अच्छा हमें दिखाएंगी तो आपका थैंक यू पहले से ही कि आप नहीं, नहीं, नहीं। पक्का सर भेजूंगी। ऐसे तो मैं बहुत सारा टाइम जाके आई हूँ, पर अभी क्या पूरा अपना आयुर्वेद के सब डॉक्टर है तो और मजा आएगा। हम आपके वजह से हम भी देख लेंगे। नहीं जरूर जरूर, मैं सेंड करूंगी, जरूर करूंगी सर। ओके थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। नवजोत कौर मैम आप हैं कि किचन में हैं? अगर जो लोग हैं पंजाब का बताइए टक्कर के बारे में, कोई साउथ का बताइए। शशि रेखा मैम आपके उधर होता है टक्कर का प्रयोग? फिर हम इस पे टीका पड़ेंगे सर। होता है टक्कर का, और काफी वैरायटी का सर बनता है। जैसे हमारे घर में तो सर काफी ज्यादा पतला बनता है, जैसे आप कहते हो शासी होता है, हाँ वैसा बनता है। लेकिन अगर आप अमृतसर वाले एरिया में चले जाओगे सर, वहां पर बहुत ज्यादा हैवी बनाते हैं, जो मंथ नहीं कहते वैसा बनाते हैं, कि वो सर विरुद्ध भी बनाते हैं। जैसे दही में पहले तो कितनी ज्यादा खांड डालेंगे, और साथ में दूध डालते हैं, पानी नहीं डालते वो, और ऊपर से मक्खन और मलाई भी डाल देंगे खाते पीते वक्त। लेकिन ये कि पंजाब में सर वैरायटी काफी ज्यादा है, बहुत तरह का बनता है कम से कम। और आपको मालूम नहीं है पूरे देश में अगर देखा जाए ना, तो जो सरदार लोग होते हैं पंजाबी लोग होते हैं ना, उनका मतलब स्ट्रांग होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब वो देश ऐसा बताया ना आयुर्वेद में, कि क्योंकि पहले क्या होता था, जब आक्रमण होते थे तो सबसे पहले सरदार लोग और मतलब वो लोग ही उसको रोकते थे। जी जी सर, हाँ मतलब हर तरह से, मतलब खाना पीना भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कि प्रिपेयर्ड होते हैं कि कुछ नहीं होता कर लेंगे। हाँ वही तो, पूरा भारत की रक्षा अगर देखा जाए ना, तो जितना वहां से आक्रमण हुए और बचाया गया उतना, मतलब वो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन हुआ। जाट लोग और ये सरदार लोग, इन लोगों ने रक्षा किया पूरा देश को। ठीक है सर, ये जिनको फैटी लिवर रहता है और अग्निमान रहता है,
में भी तक्र दे सकते हैं क्या? देना ही चाहिए ना सर, तक्र तो तक्रम लघु कषायष्णम दीपन पाचन ऐसे बताया है ही है ना। जी जी बस सरदार जी बोलिए, ज्ञानी जी, वीर जी बोलिए सर। नमस्कार प्रणाम सभी वैद्यजनों को। थे आपकी बहुत याद आ रही थी सर। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू जी सर। ऐसा है सर, पोर्स से लेकर ना जब सिकंदर भी निकला था, पोर्स भी, पोर्स जो उसको जेलम पे रोका था तो वो ये पंजाबियों ने ही रोका था। ये जो बेल्ट है ना, अब ये कणक में ये मॉडिफाई करके उसमें वो तत्व खत्म कर दिए हैं इन्होंने, जो ये जो इतना खित्ता है ना ये जी। महाराजा रणजीत सिंह ने जो इधर से आते थे अफगान, अभी अमेरिका भी हाथ खड़े कर गया, रशिया भी, और उससे उसका जो जर्नैल था हरी सिंह नलुआ, उसका अब भी अफगानी औरतें बोलती है, जैसे वो गब्बर आ जाएगा ना वो बोलती है चुप छा बच्चा हरिया रांगला, बच्चे चुप कर जा हरी सिंह नलुआ आ जाएगा। देखो ऐसे है जी। तो ये परमेश्वर ने कृपा किया हुआ है, खालसा काल पुरख की फौज है। हाँ तो बेसिक है ना, अभी हम जो डिस्कस है तक्र, खाना पीना इतना अच्छा क्वालिटी का है ना, दीपन पाचन और माँ को बलवान करना, वो तक्र क्या है? तक्र ओ हम इधर लस्सी बोलते हैं उसको। हाँ। पहले दूध को सुबह उसको हारे में रखते हैं, सारी दिहाड़ी वो बंद अग्नि पर वो उसको आता रहता, उस पर मलाई आ जाती है, और उसमें एक जो काढ़ी होती है मिट्टी का बर्तन होता, उसमें एक लोहे का पीस भी रखते हैं, छोटा सा टुकड़ा, उसको खुरचना बोलते हैं, बाद में उसको खुरचते हैं, उससे उसके लोह के तत्व भी आ जाते हैं उसमें, फिर उसको जमाते हैं, रात को जाग लगा के फिर उसको सुबह रिड़कते हैं, मथते हैं। अदरड़किया पीने की परंपरा भी है, और उसमें से मक्खन निकाल के लस्सी है जो छाछ, वो बहुत गुणकारी है, बहुत बढ़िया है वो। पहले था खाना, अब तो सारे मॉडिफाई हो गया, अब कोई इतनी मेहनत नहीं करता। तो आप जब बचपन में थे तो वो कितना बड़ा ग्लास में सब मिलता होगा आपको? हाँ सर, वो खद्दर के ग्लास बोलते हैं हम, कगड़ी वाले बड़े बड़े छन्ने होते थे कांसी के, हमारे तो आज तक भी मतलब लुधियाना में रहते हैं शहर में, मगर अब हमने जो हमारी भैंस है 40 साल इधर लुधियाना में भी रखा है, मेरे हम ऐसे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है भी कर्जा लो बच्चे को घी खिलाओ, जब बड़ा हो जाएगा कर्जा उतार देगा। पंजाबी में बोलते हैं जो ना करे माँ प्यो वो करे क्यों, माँ प्यो केवल जन्म देते हैं, घ्यो बलवान बनाता है आदमी को, घी खाना चाहिए। आप भी बोलते हो आयुर्वेद का जो आप जो बताते हो भी घी खाना चाहिए, और बाबा वैद भी गुरु जी बोलते थे अंग्रेजी वाले तो घी हटाते हैं, मैं घी खाने को लगाता हूँ भी, घी खाना चाहिए। और वो सरदार जी आपके जो भाई थे उनके बच्चे का नस्य देने से क्या फायदा हुआ? वो 10 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, मैं आज फोन करूंगा, अभी मेरी बोतलें मत भूल जाना। देखो मैं आपका चलता फिरता पंखा हूँ, फैन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और आने वाले दिनों में मेरा छोटा बेटा भी चला गया कनाडा, तो दो बेटे हैं मेरे, 30 तारीख को गया है, तो मैं आपका कनाडा से भी आपके टच में रहूंगा जब गया, साल दो साल के बाद। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मोनिका मैम, विनीता मैम बोल रहे हैं 41 नंबर का श्लोक और वंदना मैम 42 नंबर का, ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा पढ़ना है मोनिका मैम श्लोक? सर ये हुआ था ना कि 41 से स्टार्ट कर दीजिए, 41 से, क्योंकि ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। 40th का सर जो टीका का लास्ट वाला लाइन था ना वो एक बार आप बता दीजिएगा, और 41 से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम ये पहले 41 पढ़ते हैं, क्योंकि वंदना मैम कुछ और बता रही हैं, आप दोनों कुछ और बता रही हैं, मैं तो 41 हो गया था, बस वो जो मैडम कह रही है ना एक लाइन का प्रॉब्लम था उसको आप कर दीजिए, एक बार हम पढ़ ही लेते हैं ना 41 को। अच्छा पढ़ लीजिए, अच्छा है भाई जी, पढ़। हाँ तो ये 41 नंबर का श्लोक पढ़िए और उसका अर्थ बताइए, कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? मोनिका मैम आप बचपन से इतनी इंटेलिजेंट है। सर मैं अभी 5 मिनट बाद पढ़ू सर, मैं ट्राई करी। तो हम किसी और को बोलते हैं, उषा मैम, वंदना मैम, कोई आप लोग में पढ़िए कोई। वंदना मैम आप भी बचपन से इंटेलिजेंट है, वंदना मैम शायद म्यूट हो गई। नहीं नहीं लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ 41। आप पहले बताइए, आप पहले से बताइए कि आप बचपन से इतनी इंटेलिजेंट थी, मतलब आप हमेशा अच्छा टॉपर आती होंगी क्लास में,
स्कूल में। जी मैं जो हूँ अपने हाउस की कैप्टन हुआ करती थी अपने स्कूल टाइम्स में, जी और मतलब सब जब भी जहां भी जाती थी तो सब जान जाते थे। हाँ तो ऐसे था वैजी, सभी इंटेलिजेंट है, सभी पढ़ और रहे। आपका बचपन का फोटो है क्या? हमें देखना है क्या बचपन से मतलब ऐसे देवी जैसी दिखती थी क्या? अगर पॉसिबल है तो दिखाइएगा ना स्कूल जी भेजूंगी का। हाँ ठीक है मैम, पढ़िए मैम। भेजूंगी। अभी उषा मैम बोले कि अभी भी आप ही कैप्टन है मैम, नहीं वरना मैम नहीं अभी हम लोग सब सब अपने अपने कैप्टन हैं। रुक्ष जी। ठीक है मैम पढ़िए प्लीज। मर्दोत दत्त स्नेहम यत् चान रुद्रतम कृतम तक्रम दोषाग्नि बलविद त्रिविद तत् प्रयोजिये। हाँ ये ऐसा है, देखिए रुक्षम अर्थो धृत स्नेहम, रुक्षम अर्धो धृत धृत स्नेहम स्नेहम यश्चानुधृतम घृतम यक्षानु धृतम कृतम तक्र तक्रम दोषा दोषाग्नि बलवित तक्रम त्रिविधम त्रिविधम दोषाग्नि बलवित त्रिविधम तत् तत्प्रयोज्य। प्रयोजिये। हाँ चिकित्सक रोगों में दोषों का, अग्नि का, रोग का तथा रोगी के बल का विचार करके रुक्ष जिसमें मक्खन का संपूर्ण अंश निकाल दिया गया हो, मट्ठा जिसमें आधा मक्खन निकाल दिया गया हो और ऐसा मट्ठा जिसमें मक्खन ना ही निकाला गया हो, इन तीन प्रकार के मट्ठों से यथोचित मट्ठा का प्रयोग करें। तो आपने ऐसे तीनों टाइप के तक्र पिए होंगे जिसमें स्नेह निकाल दिया। जी हम सभी ने पिए हुए हैं। हाँ और सरदार जी अभी वही बता रहे थे ना सर कि वो मक्खन वाला वो पहले पूरा पारंपरिक मेथड से सब बनता था पहले। जी इसका अब हम टीका पढ़ते हैं। एक मिनट मुझे शेयर स्क्रीन करने दीजिए। एक मिनट, इसका कौन सा पूरा टीका पढ़ना है? 41 40। हाँ ये वाला कौन पढ़ेगा? सर्वथा अत्र तक्र प्रयोग प्रायण पूजित इत्यादि वहा कोई टीका पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? डॉक्टर शशि मैम आप फ्री हो गई हैं तो आप पढ़ दीजिए, आकांक्षा मैम आप पढ़ दीजिए, विनीता मैम आप पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़िए। हाँ पढ़ हाँ देती हूँ। ये तकरण समाहता वाला पढ़ना है क्या? ठीक ये 41 नंबर का जो है उसका टीका पढ़ दीजिए। है। यथा योग कदाचित रूक्ष कदाचित रूक्ष निशेषम उद्धृतम स्नेहम अथवा अर्धो उद्धृतम स्नेह कदाचित अनुद्धृत यस्मात् उद्धृतम कारणे नवनीते कार्यो कार्यो उपचारा देवमुक्तम तत् एतत् त्रिविधम त्रिविध तक्रम दोषादि दोषादिवित प्रयोजिएत। हाँ इसका अर्थ बताने का कोशिश करिए। अच्छा यथा योग कदाचित रूप जैसे बताया गया है, मतलब कभी रूक्ष निशेष उद्धृतम स्नेह जिसमें स्नेह न हो अथवा अर्धो उद्धृत स्नेह। म्यूट हो गया आपका। हाँ इसमें ऐसे बता रहे हैं तीन टाइप के तक्र बता रहे हैं जिसमें हमने स्नेह निकाल दिया है किंचित कदाचित रुक्ष, दूसरा है कि आधा उद्धृत घृत है स्नेह है तो उसमें आधा डाला है आधा नहीं है, और कदाचित उद्धृत ना जिसमें हमने कुछ नहीं निकाला है, ऐसे तीन टाइप का ऐसे। क्योंकि नवनीत जो रहता है जो मक्खन रहता है, नवनीत मतलब मक्खन जो रहता है उसका कार्य के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रयोग उक्तम कहा है। तद ए त्रिविधम मतलब तक्र जो है वो दोषों के हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए। जब आप ग्रहणी चिकित्सा देखेंगे तो वातज ग्रहणी जो है उसमें स्नेह युक्त तक्र बोला है, और कफज ग्रहणी में देखेंगे तो उसमें स्नेह विरहित मतलब स्नेह को हटा के ऐसा तक्र बोला है, और पित्तज में आधा बोला है, आधा आधा वाला कि आधा थोड़ा स्नेह निकाल दीजिए आधा रहने दीजिए ऐसा पित्त वाले में बोला है। और वैद्य वात कफज में वात कफज में उसमें भी आधा आधा। आधा रही है उसमें हाँ जी। इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है, अगर हमने वातज में रुक्ष वाला दिया तो रुक्षता बढ़ा देगा, इसलिए स्नेह युक्त चाहिए उसमें नवनीत डाल के।
और आप लोग को पता होगा कि अपने कृष्ण भगवान जो थे वह इतना मक्खन खाते थे, इतना मक्खन खाते थे, और उसको पचाने के लिए पिपली खाते थे, तो इसलिए वो इतने बलशाली हुए कि गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। इसका वेद जी बहुत अच्छा है जो हम लोगों ने पढ़ा था ना द्रव्य विज्ञान अध्याय में, कि तक्रम लघु कषाय अम्लम दीपनम कफ वाचित शोफो दर्शो मतलब अर्शो ग्रहणी दोष मूत्र ग्रह रुचि प्ली गुल्म व्रत व्याध गर पांडवा माम यान जय। मतलब इतने सारे जो रोग हैं वो हम तक्र के प्रयोग से कर सकते हैं। ये लघु कषाय अम्ल जठराग्नि दीपक है कफ और वात का नाशक होता है। ये शोथ रोग उदर रोग अर्श रोग ग्रहणी रोग मूत्राघात क्रिया विकार गुल्म और स्नेह व्यापक और गर्विष मतलब रुक्षण के लिए हम लोग भी इसको यूज करते हैं, तो स्नेह व्यापक में भी यूज करते हैं, और गर्विष और पांडु रोग इन सबको ये तक्र जो है वो जीत लेता है जी। और बंद्रा मैम आपके पिताजी भी डॉक्टर थे क्या? नहीं वो तो पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा पुलिस ऑफिसर थे, अच्छा इसीलिए आप एनसीसी में भी थे है ना जी, आप समझ आया। कुछ ना कुछ माता पिता के अच्छे संस्कार होते हैं, वही तो होता है। थैंक यू मैम। अभी 42 नंबर का श्लोक हमने पढ़ लिया है, वो तृण को भी जला देता है, इसका हम टीका पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने अनम्यूट किया है, कृपया म्यूट रखिए। 42 नंबर का तक्र प्रयोगे कृते को गुण इत्या, ये वाला टीका कौन पढ़ेगा? जो मोनिका मैम ने कहा ना कि हार्ट में कोलेटरल्स बन जाता है, तो कोलेटरल्स और अच्छा हो इसलिए तक्र का प्रयोग करेंगे ना कोई भी, तो हार्ट का कोलेटरल्स बन जाता है, बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तक्र इतना बढ़िया है, एक डॉक्टर मनोज दामा जी आए थे आप लोगों को याद हुआ, तो उनको आईबीएस भी था और उनको और कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, ग्रहणी पूरा था उनको और एसिलिटी डिजीज भी था, तो उन्होंने मेरा आम पचक लिया और तक्र का उन्होंने सेवन किया, 6-6 दिन तक लंघन किया, पूरा दिन में केवल तक्र पी के रहना है और सर एकदम ठीक ही हो गए वो पूरा, मतलब आईबीएस भी ठीक हो गया, एसएलई डिजीज भी ठीक हो गया। उन्होंने कुछ 3-4 महीने किया, मतलब 6-6 दिन करके फिर थोड़ा खा के फिर 6 दिन फिर ऐसे लंघन करते गए, आम पचाते गए और तक्र पे ही रहना है पूरा दिन ऐसे। डॉक्टर आकांक्षा मैम आप टीका पढ़ेंगी अगर आप खाना नहीं बना रही है तो, या आशा मैम, नवजोत कौर मैम, मीनल गुप्ता मैम कोई पढ़िए। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम आप हैं फ्री, पढ़ सकती हैं टीका। सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए सर। नमस्ते सर। नमस्ते, प्रणाम सर। सर तक्रेण समाहता ये पढ़ना है। हाँ और आप एक बस ये बता दीजिए कि आपके उड़ीसा में कैसे पीते हैं लोग तक्र? तक्र ऐसे तो रूटीनली नहीं पीते सर, पर कुछ फंक्शंस में पीते हैं, जो एक कुछ एनुअल आता है कुछ पर्व में, और यूजुअल डाइट में कभी कवर होता है। यूजुअल डाइट में गुजरात और राजस्थान और पंजाब, ये जो बेल्ट है ना ये पूरा यहाँ जरूर पिया जाता है जी जी। और सर आपका अभी पेन कैसे है? सर वो जो दशा कार्य होता है उसमें तक्र मस्ट होता है, उसमें ज्यादा मालपुआ टाइप का जो मिठाई जो ज्यादा ऑयली श्राद्ध रहता है के टाइम, साथ ही श्राद्ध के टाइम, हाँ सर पूरा 6-7 दिन ऐसा तक्र ज्यादा मस्ट होता है। अच्छा और सर आपका तबीयत कैसे है? हाँ ठीक है, ठीक है। अभी सर क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि जब दश दश काल होता है ना, मतलब श्राद्ध का जो टाइम रहता है उस टाइम पे हैवी डाइट जो खिलाया जाता है पंडित लोगों को जी, मतलब जो 10वां के दिन या 13वीं के दिन जो खिलाया जाता है ना, तो वो बहुत हैवी रहता है मालपुआ वगैरह, तो तक्र उस टाइम कंपलसरी दिया जाता है कि वो उसका पाचन हो जाए जी। सर हमारे यहाँ पूरा हम लोग यूज करते हैं तो ये रुक्षण करता है, इसीलिए उसमें बिना मतलब मक्खन पूरा निकाल के वो मट्ठा उसमें देना सही है जी। हाँ पूरा डाइल्यूटेड रहता है, डाइल्यूटेड और मक्खन पूरा उसका मक्खन पूरा हटा के जी।
और आप लोग कभी भी देखेंगे ना, पितृ पक्ष में जो ब्राह्मण भोज खिलाया जाता है ना, तो वो शायद दुख से बना के दिया जाता है, तो पचता नहीं है। एक बार भी खा लिया ना वो अन्न, तो पूरा दिन भर ऐसे लगता है कि अजीर्ण हो गया है, दुख में बना हुआ। अब वही प्रसाद रहता है वो तुरंत पच के तुरंत मन को प्रसन्न करता है। हाँ प्रभात जी बोलिए सर। प्रभात जी आपका हाँ, अभी पेन कैसा है, आप कैसे हैं? नहीं पेन तो उसी दिन से नहीं हुआ सर, मैं बाकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बताइएगा। एक डोज में पेन रिड्यूस हुआ। क्या अभ्यारिष्ट और दशमलारिष्ट? नहीं ये कनकासव दशमलारिष्ट और सुवर्ण सुख शेखर प्रवाल पंचामृत, इतने से जो पेन रिड्यूस हुआ और बाद में नहीं हुआ। ठीक है सर। सर टीका पढ़ दीजिए प्लीज। तक्रेण समाहता उन्मूलिता गुदजा पुनर्न प्ररोहंती समूला नश्यंतीत्यर्थ। इसमें बोल रहे हैं तक्रेण तृतीय एकवचन है, रामः 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 उससे करते हुए रामेण, तो यहाँ पे तक्रेण, तक्र के साथ जब भी कुछ लेते हैं हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो ये क्या करता है, उन्मूलिता जड़ से मूल से निकाल देता है। गुदजा पुनः न प्ररोहंती फिर वो फिर से नहीं उत्पन्न होता है, समूला नश्यंती इत्यर्थ मतलब मूल से ही वो नष्ट हो जाता है, पूरा अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाता है पूरा। आगे पढ़िए। कयमेत तव कयनीय कथमेव कथमेव कथमेतद एव गम्यते कथमेव तद एव गम्यते इत्यास क्याह हि यस्मात् तत् तक्रम भूमावपि निसिक्त तृणोलूप विशेषेण दहत्य पुनरुत्पादना। जी इसमें बोल रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है, इत्याह शंक्या मतलब इति शंक्या मतलब इससे शंका पूछा गया है कि ये किस तरह से काम करता है, तो ही यस्मात् तत् तक्रम भूमावपि निसिक्त मतलब ये जो तक्र है, यस्मात् तक्रम ये जो तक्र है, भूमि पर अगर बहुत ज्यादा तिनके गिरे हैं, सूखा तिनका गिरा है तो उसमें हम अग्नि देते हैं तो वो पूरी तरह से जल जाता है, दहती पुनः उत्पादन फिर वो उत्पन्न नहीं होता है, उसी तरह से तक्र का भी सेवन करते हैं तो वो फिर से नहीं उन्मूलित होता है। भूमावपि शब्दो न केवल शरीरे बाह्यायामपि भुर्वति संदर्शनार्थ। जैसे भूमि में बाहर के जगत में जो रहता है वहां पे आग से अग्नि से जो तृण होता है वो पूरी तरह से जल जाता है, फिर से वो तृण फिर से नहीं आ सकता, उसी तरह से लग रहा है मुझे मतलब ये कि जैसे भूमि पर अगर हम मट्टे को डाल देते हैं तो वो जितनी छोटी छोटी तृण और लता आदि जड़े उनको जला देती है, उसी प्रकार से मट्टी के प्रयोग से जो अगर आर्ष अंकुर है वहां पर जब हम मट्टी का प्रयोग करते हैं तो वे उसी प्रकार से कभी नहीं उगते, क्योंकि हमने यूजुअली देखा है कि जैसे मट्ठा ज्यादा बन गया घर में या हम लोगों ने मक्खन निकाला और उसका थोड़ा टेस्ट कभी कभी चेंज हो गया तो हम लोग उसको गार्डन में या कहीं ऐसी जगह अगर डालते हैं तो वहां की पूरे जो घास है वो पूरी जल जाती है और फिर वो कभी नहीं उगती, रूट तक जाके वो समूल नष्ट हो जाती है, हम मैंने ऐसा देखा है कि पूरा इसीलिए कहते हैं में मत डालो, मट्टी में ऐसी जगह डालो जहां पर पौधे ना हो, पौधे को बहुत नुकसान करता है मट्टा, तो जिस प्रकार भूमि में सींचा गया जो मट्टा है वो जड़ों को जला देता है और फिर वे कभी नहीं उगते, उसी प्रकार मट्टे के प्रयोग से जो अर्श के अंकुर है वे कभी भी दोबारा नहीं उगते यानी कि समूल नष्ट हो जाते। हाँ यही बोला है बाह्यम अपि भवति संदर्शनार्थम, बाह्य जगत में भी वैसा दिखा देखा जाता है। जी तृणोलूप कठिन यद्रुहति तदवश्यमर्षासि मृदुनी मास प्रयाणि दह्यत्येव। ये बोल रहे हैं कि तृण जो होता है वो कितना कठिन होता है तो वो उसको ये जब जला देता है तो अर्श तो बहुत मृदु होता है और मांस का बना हुआ होता है मांस प्रयाणी तो उसको भी सेम उसी तरह से जला देता है, इतना इसको महत्वपूर्ण बताया है अपने चिकित्सा में। एक सरदार जी ने हैंड रेज किया है, सरदार जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं सर गलती से हो गया था, पहले तो लोअर सर आप आपका क्या अनुभव है, जो अर्श के पेशेंट होते हैं ग्रहणी के पेशेंट होते हैं उसमें आप तक्र जरूर बोलते होंगे?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है, ठंडक पहुंचाता है, मतलब जब पीते हैं ना हाँ, जो लस्सी हाँ, तो बहुत बढ़िया गुणकारी है ये, जी हमारे तो ये कल्चर में है सारे। जी बॉडी में अगर दाह पाक हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन में बर्निंग हो रहा है, तो ये तक्र दे देंगे तो वो सब ठीक हो जाता है। गुद पाक हो रहा है या गुदा में मतलब बहुत सकष्ट मल प्रवृत्ति हो रही है, तो आप अनुलोमन न देखे तक्र का सेवन करें तो दीपन पाचन भी होगा, पेट भी साफ होगा, भूख भी लगेगी। थैंक यू सर। सर, हाँ एक सर सर एक पेशेंट के बारे में पूछूं, वो अर्ज का ही पूछिए है। तो पूछिए 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था, वो फीमेल पेशेंट है, 70 इयर्स का है, वो 20 साल पहले एक अर्ज का खैर सूत्र ही किए थे। तो अभी उनका कंप्लेन है कि वो अर्जेंट सी ज़्यादा रहता है, वो डिफिकेशन का, और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, बार बार दिन में 8-10 बार टॉयलेट जाना तो पड़ता ये है, तो पर आज भी आईबीएस की जरूर। तरफ जा रहे हैं सर, आईबीएस, और उसके बाद में जब वो मोशन पास करते हैं तो म्यूकस भी आता होगा। नहीं नहीं सर, ओनली हार्ट स्टूल यार, नहीं तो और ये कुछ दिनों से। ग्रहणी रोग आईबीएस की तरफ जा रहे हैं, अच्छा तो जी सर, इनको यही सब देना होगा, पर्पटी कल्प दे दीजिए, ग्रहणी की चिकित्सा करना है यकृत पे, तो आरोग्य वर्धनी वटी और सारे पर्पटी में से एक चूज करिए, लौह पर्पटी, स्वर्ण पर्पटी, पंचामृत पर्पटी, रस पर्पटी, उसमें एक पर्पटी चूज करिए, और तकरा रिष्ट या कोई आसव रिष्ट, द्राक्षा सव, द्राक्षा रिष्ट, मृदुका रिष्ट, ऐसे कुछ चूज करिए वो दीजिए, और दीपन पाचन के लिए और लवण भास्कर चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, भास्कर लवण चूर्ण, इसमें से कोई चूज करके दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी, ग्रहणी को ध्यान में रख के फिर चिकित्सा करिए तो ये सब बैलेंस हो, और जी तब भी जी अगर अर्जेंसी और हरीनेस है तो आपको बस्ती देना पड़ेगा, शीर वाला तेल का, तो वो जो रिफ्लेक्स आता है ना बार बार जाने का, वो रिफ्लेक्स ठीक हो जाता है। ठीक है सर। सर सर आप उसके साथ है ना, ये जो सुरन बोलते हैं एलिफेंट फूड, उसको घी के अंदर भूनकर उसको दीजिए आप, लगातार 7 डे या 15 डे तक देंगे, इस सीजन में अच्छा रहेगा अर्श के लिए। जी, और उषा मैम आपका जो नाम है उषा और संध्या, ये तो ब्रह्मा जी की बेटी का नाम है ना शायद, मुझे आपका नाम से याद है, ब्रह्मा जी की बेटी का नाम है उषा और संध्या, 2 बेटियां हैं जी। अच्छा ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अभी थैंक यू 43 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहता है? बहुत ही अच्छा श्लोक है, मैं पढ़ू सर? आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए और समझाइए भी हमें सबको। कोशिश करती हूँ सर। स्त्रोतसु तक्रशुद्धेषु रसोधानु धातुनुपैति तेन पुष्टिर्बलं वर्णः परं तुष्टिश्च जायते वातश्लेष्मविकाराणां शतं च विनिवर्तते। जी मतलब स्रोतसों को तक्र से शुद्धता मिलेगी, और वैसे ही रसरक्तादि धातु का पोषण होता जाएगा, और इसी से शरीर को पुष्टि बल वर्ण मिलता है, तो शरीर शरीर को बल और पुष्ट पुष्ट करता है। इसी तरीके से वात श्लेष्म मतलब वातज कफज विकार का वातश्लेष्म विकार नष्ट होते हैं। नीचे जी लिखा वायु और कफ से, वायु और कफ से आवृत स्रोतों के तक्र से शुद्ध होने पर जो आहार धातुओं में पहुंचता है उससे शरीर में पुष्टि बल वर्ण और प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वात और कफ के 100 रोग शांत हो जाते हैं। जी आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर मनोज वर्मा जी ने लिखा है कि तक्र उष्ण होता है, तो दही उष्ण होता है कि तक्र उष्ण होता है, ये क्या होता दही दही उसमें है? और डॉक्टर राजेंद्र सिंह सरदार जी ने कहा कि तक्र ठंडक देता है, तो जी आप लोग थोड़ा देख के बताइए, जो तक्र का जो अध्याय है द्रव द्रव्य विज्ञान में, जी उसमें तक्र जो है ना वो उसका निषेध माना गया उष्ण काल में, यानी कि ग्रीष्म और शरद में तक्र का प्रयोग निषेध बताया गया। तो मतलब तक्र उष्ण ही होता है,
एक बार उसका वीर्य देखिए, जब अगर अगर उसको अगर ये उष्ण नहीं होता तो फिर वात के दूषित होने पर हम लोग क्यों उसको दाह में और रक्तपित्त के रोगी में तक्र का प्रयोग क्यों नहीं मतलब नहीं करते है ना, रक्तपित्त में भी दाह में, और अगर इसमें गर्मी में शरद ऋतु में जबकि बादल छट जाते हैं और सीधे धूप जो है वो आती है नीचे, तो उस समय भी तक्र का प्रयोग निषेध है। तो अम्लता के कारण भी हो सकता है ना, जैसे अगर खट्टा छाछ ज्यादा लेंगे सर, मतलब एक मेरे बराबर, हाँ बराबर, तो मीठा तार जो होगा, मीठा तक्र जो होगा वो ठंडक लाता है। हाँ, जो होता है कि मतलब जैसे वात दोष होगा तो उसके अंदर हमने नमक मिला दिया, पित्त में मीठा दे दिया, और जो कफ है उसके अंदर सौंठ मरीच पीपल या मतलब ये डाल के हमने संस्कारित करके उसको दे दिया, ये तो अलग चीज होगी। लेकिन जो ये है कि इसका क्या है, इसका विपाक जो है वो मधुर होने की वजह से, वो ये मैम ये बता रही है। देखिए एक बार डॉक्टर मनोज वर्मा जी, नवजोत कौर मैम, आप लोग बताइए क्या बोलना है आप लोग को। मनोज वर्मा जी, हाँ बताइए सर। ग्रहणी रोग में तक्र का वो त्रिदोष नाशक बताया है, ग्रहणी रोग में हमारा चरक 15वां अध्याय है ना, उसमें तक्र के बारे में बोला है। नहीं, उसका वीर्य उष्ण होता है कि शीत होता है? उसका वीर्य तो ऐसे उष्ण होता है, उष्ण होता है, लेकिन वो त्रिदोष शामक भी होता है, दीपन पाचन करता है। हाँ। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम आपने क्या लिखा है, मनोज जी आपने क्या लिखा है बताइए। फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं ना, तो आपने जो लिखा है वो बता दीजिए। आप प्रणाम सर, बताइए सर। कक्कर का रस जो है वो मधुर अमल है। हाँ। वीर्य उष्ण है, गुण लघु रुक्ष है, और विपाक मधुर है। उष्ण वीर्य होने से जो वात रक्त शामक है, विपाक मधुर होने से जो पित्त शामक है, और लघु होने से अग्नि दीपन करता है। अनुरस इसका कषाय है सर, कषाय होने से पित्त शामक भी है जी सर, इसलिए त्रिदोष शामक है, स्त्रोत रोधक है जो अग्नि दीपक है। तो ऐसा बोला जाता है ना कि देवताओं के लिए अमृत सबसे श्रेष्ठ है, और असुरों के लिए मध्य, और मनुष्य के लिए तक्र, ऐसा बनाया है, अमृत के समान बताया। डॉक्टर मनोज वर्मा जी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? सर पंजाब से ही हूँ मैं सर, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट उठाया था सर। तो आप अपने पेशेंट को देते होंगे तक्र ग्रहणी रोग में और अर्श में? हाँ जी सर, तक्र का है यूज सर इसमें जी। थैंक यू सर। सर थैंक यू। तो ये देखिए, वायु और कफ से आवृत स्रोत, आवरण है यहाँ पे स्रोत के से तक्र के शुद्ध होने पर जो आहार रस धातु में पहुंचता है, तो तक्र उसको पचा देता है, तो जो आहार रस धातु में पहुंचता है, इतना प्योर फॉर्म में आहार रस मिल रहा है, उसे शरीर की पुष्टि होती है, बल वर्ण प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वात और कफ के 100 रोग शांत हो जाते हैं, इतना बढ़िया होता है। वात रोग के 80, कफ के 20, इस प्रकार 100 रोग वात और कफ के। तत् शब्द बहुवचन, तीन प्रकार का तक्र होता है, मंदतम, मंदतर और मंद अग्नि में देवे, ऐसे बता रहे हैं। अग्नि मंद हो तब भी दे, मंदतर में भी दे, मंदतम में भी दे, ऐसे बता रहे हैं। 43 नंबर का जो श्लोक है उसका टीका कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए, 4 लाइन का ही है, कोई भी पढ़ सकता है। आरती शर्मा मैम, रश्मि जी सर पढ़ती हैं। और रश्मि जी आपके नाम का मतलब क्या है मालूम है? सनलाइट जो होता है ना, सूर्य से ऐसे प्रकाश आता है, तो उसको बोलते हैं रश्मि। सूरज की पहली किरण, पहली किरण को रश्मि बोलते हैं। हाँ सर, टीका ये वात श्लेष्मा वृत्तेषु स्रोतसु तक्रेण शुद्धेषु सत्सु यो रस आहार रसु धातून उपेति संप्राप्नोति तेन रसेन प्राप्तेन पृष्ठाद्यो जायन्ते तथा वात श्लेष्म विकाराणा शत विनिवर्तते शाम्यति। जी, इसमें बोल रहे हैं वात और श्लेष्म से आवृतेषु, सप्तमी बहुवचन, वात और श्लेष्मा में से जो आवृत हो जाता है उसमें स्त्रोतसु, जो स्त्रोतस
ये भी सप्तमी बहुवचन है। स्रोतस भी अगर बहुत ज्यादा स्रोतसों में जो भी आवृतत्व है उसमें तक्रेण ये तृतीय एकवचन तक्र के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो शुद्धेशु तत्सु इससे शरीर शुद्ध हो जाता है और उसके बाद जो आहार रस बनता है धातुनुपैति सब प्राप्त होती मतलब इससे धातुएं जो बनती है उनको पुष्टि प्राप्त होती है तेन रसेन प्राप्तेन पुष्टादय हो जयंते। तो इसमें ऊपर श्लोक में क्या बता रहे हैं तेन पुष्टि ही बलम वर्णश्च बल प्राप्त होता है वर्ण प्राप्त होता है अच्छा कलर आता है तुष्टिश्च जयते। मेरे पास एक पेशेंट आई थी वो पूरा सन टैनिंग हो गया था वो यूरोप से आई थी एनआरआई तो उनका स्किन पूरा काला काला हो गया था। मैंने उनको तक्र पीने के लिए बोला और कुछ नहीं बोला केवल तक्र पीजिए। तक्र पीने से उनका कलर पूरा चेंज हो गया एकदम गोरी हो गई जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। तो ये बहुत अच्छा सच में काम करता है। तथा वातश्लेष्म विकाराणाम वातश्लेष्म विकारों में शत विनिवर्तते मतलब जो वात के 80 रोग श्लेष्म के 20 रोग ये ठीक हो जाते हैं शमन हो जाते हैं। थैंक यू। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना पंजाब के लोग बहुत ऐसे बलवान होते हैं पुष्टि होती है तो वो लस्सी जो पिया जाता है वहां पे पारंपरिक रूप से उसका ही मेन है। 44 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा प्लीज कोई पढ़ दीजिए। आकांक्षा श्रीवास्तव मैम आप फ्री हो गई हैं क्या आप पढ़ दीजिए। प्रणाम सर। आप तक्र के बारे में कुछ बताइए आपका एक्सपीरियंस। सर तक्र के बारे में सर वैसे तो हम लोग यूजुअली सभी लोग बहुत मतलब पेशेंट्स में करते हैं खासतौर से सर जहाँ पे पेशेंट्स में मतलब अश वाले जो पेशेंट होते हैं जहाँ अग्निमंत्र वगैरह होता है वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स में सर काफी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे इन लोगों को शुद्धा मान्य रहता है और अरुचि भी ये लक्षण रहता है इन लोगों में क्योंकि अदमान रहता है गैस का हमेशा दिक्कत बजाते रहते हैं तो श्रोतावरोध कहीं ना कहीं होता है। तो इसके लिए सर उन लोगों को अगर थोड़ा सा दीपन पाचन देके तक्र भी दे देते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा सर असर मिलता है। और दूसरी चीज के सर क्योंकि जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सर सुन रही थी मैं ये सब लोगों ने जैसे बताया कि पारंपरिक रूप से भी सर हमारे यहाँ तक्र का सेवन अलग अलग स्टेट्स में बताया गया है तो इसलिए सर हम लोग अपने रोगियों में तो करते ही हैं और साथ ही साथ अपने घर में भी किसी ना किसी रूप में जैसे सबके घर में कहीं ना कहीं कढ़ी के रूप में या किसी के रूप में खासतौर से महाराष्ट्रीयन जो कढ़ी बनती है उसमें तो अधिकतर उस तरीके का सेवन होता है लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा सा वो उसका जो कढ़ी का वो कंसिस्टेंसी होती है वो गाढ़ा हो जाता है लेकिन कई जगह पे इन मतलब खाने के साथ एक कंपल्सरी के रूप में सर पेशेंट्स को भी अगर बता दें हम तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है सर। और मतलब मैं भी अपने पेशेंट्स में सर काफी हद तक ये बताती हूँ कि भाई आप कुछ नहीं तो क्योंकि आजकल के मिसकंसेप्शन के हिसाब से सर दही लोगों को एक यहाँ पे खासतौर से उत्तर भारत में जैसे बताया जाता है तो दही बहुत ही कॉमन है सर सुबह नाश्ते में या खाने में भी और खासतौर से गर्मियों में दही खाना तो ये जो कुछ मिसकंसेप्शन है जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं सर उसको बदलने में थोड़ा समय लगता है कि लोगों को दही हटा के मतलब तक्र के सेवन के बारे में बताना कि दही तक दही से आपके शरीर में श्रोतावरोध होगा और कई आगे जाके बीमारियां हो सकती हैं लेकिन आप मट्ठा जितना पीना चाहे पी सकते हैं तो एटलीस्ट पेशेंट को ये लगता है कि चलो दही नहीं तो मट्ठा सही तो इस रूप में भी सर पेशेंट थोड़े से खुश रहते हैं अगर रेगुलर में भी बता दिया जाए तो। और सर गुण तो अभी सब लोगों ने बता ही दिया अभी सर ने मनोज सर ने भी काफी अच्छे से उसको डिस्क्रिप्शन कर दिया है और भी सर दो तीन है तक्र के बारे में अभी मैं देख के फिर सर बताती हूँ क्योंकि इससे पहले भी हम लोग ने पढ़ा था मुझे याद आ रहा है मैं थोड़ा सा रिवाइज होता है तो मैं उसको देख के सर फिर शेयर। ये जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी है ना एक जमाने में बहुत बड़े पहलवान होते थे मतलब वो तो वो तक दही वगैरह खा के एक्सरसाइज क्या करते थे इतना स्ट्रांग थे। हमारे लालू प्रसाद जी भी सब ये लोग पहलवान होते थे बहुत स्ट्रांग होते थे ये लोग और लालू प्रसाद जी तो इतने मतलब इंटेलिजेंट थे ना वो LLB भी किए हैं और क्या क्या पढ़ाई किए हैं दिमाग भी तेज है इतना शार्प है सर। और इसमें ये क्या बोलते हैं तक्र में जो शीतकाल में बताया गया है तो शीतकाल में अगर अग्निमांड्य रोग हो और कफ जनित विकारों में और स्रोतों की रुकावट में जैसे कि अभी टीका में आया हुआ है ऐसे में और वात के दूषित होने पर तक्र का सेवन ऐसा उत्तम बताया गया। और गुणों में जो है सर
वो जो मधुर रस वाला तक्र होता है जो मीठे दही से अगर बना हुआ है ताजे फ्रेश दही से, तो वो कफ प्रकोपक और पित्त शामक थोड़ा सा बताया गया है और अम्ल रस प्रधान है। और इस तरीके से मतलब मुख्यतः पित्त के लिए और स्रोतोरोध दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपयोग होता है। और आप एक सर अभी श्लोक बता रहे थे, तो वो श्लोक दिख गया था, ना तक्र सेवी व्यथिते कदाचित ना तक्र दग्धा प्रवंति रोगा तथा सुराणाम अमृतम सुखाय तथा नाराणाम भुवि तक्रमस्ति, जो सर आप बता रहे थे ना अभी श्लोक, वो बड़ा फेमस श्लोक है सर, वो भी बड़ा अच्छा बताया आपने। बताइए बताइए उस कौन सा वाला नंबर वाला कौन सा सर? नहीं नहीं सर, वो जो आप बता रहे थे ना कि सुरा किसको सेवन बताया गया हाँ, है। हाँ, 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 सुभाषितम में बताया, सुभाषितम में जी सर। आकांक्षा में हमारे यहाँ है ना, यहाँ आपने वो कढ़ी का बोला ना, वैसे हमारे सॉरी अलग अलग तरीके से बनता है, मगर उसके और भी एक वैरायटी बनती है, उसको ढोकड़ी का सब्जी बोलते हैं हम। उसमें बेसन का पूरा प्रोसीजर रहती है, अच्छा मेहनत भी अच्छी लगती है उसमें, और वो पूरा तक्र से ही उसको छोक लगा के वो ढोकड़ी जो बोलती है वो भी तक्र से ही बनाई जाती है बेसन के साथ, और बाद में उसको बनाते हैं, वो बहुत अच्छा बनती है। मैं नहीं तो आपको रेसिपी डालूंगी अपने ग्रुप में बनाना। बिल्कुल मैम, श्योर श्योर, बहुत अच्छी बनती है। ठीक मैम, बढ़िया। और उसके साथ आप बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी या मक्का की रोटी खाते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है उसमें। उषा मैम का बात सुन के भूख लगी है सबको। मैं उषा मैम की रेसिपीज भी सर, और जो योग मैडम बताती है अलग अलग तरीके के, मैम कितने यूनिक होते हैं कि रियली मैम को जितनी बार थैंक्स बोले, मैम की स्किन के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ है, और सारे जो भी मैम की विचार है, मतलब एक एक छोटी चीज जो हम लोग भले ही उस तरीके से यूज ना कर पाए, लेकिन एक छोटा सा मतलब एक उस दिन जिक्र हुआ था पारिजात के ऊपर, मैडम ने उसके इतने यूजेस बता दिए कि जैसे मैम हर एक वनस्पति को जीती है ऐसा लगता है। तो मैम थैंक यू सो मच, आपका एक्सपीरियंस नहीं, अभी आज मैम मैं 3 दिन के लिए वनस्पति के पास ही जा रही हूँ, तो और अच्छा नॉलेज मिल, क्योंकि अच्छा लगता है कुछ और अलग अलग करके दो तो। और हाँ नहीं, ये सब्जी का तो आप बनाना, आप सब याद करेंगे, इतनी बढ़िया बनती है ये। बिल्कुल श्योर, अभी जरूर पानी आने लगा। नहीं नहीं श्योर, फ्री होगी तो आज ही भेज दूंगी मैं। ठीक है मैम, आकांक्षा मैम को भेजेंगे, ऐसा नहीं है आप। नहीं नहीं, ग्रुप में बोल रही ना सर, ग्रुप में ही बोला मैंने। नहीं नहीं, ग्रुप में ही, ग्रुप में। तो वंदना मैम भी बनाएंगी ना, मोनिका मैम भी बनाएंगी? नहीं, सब बनाएंगे सर। थैंक यू मैम। सर इसमें हम लोगों ने ये रक्त पित्त में सर इसका यूज नहीं करते हैं, तक्र का दाह में और भ्रम मूर्छा में, इसमें ऐसा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है। हाँ, लेकिन अगर गुद दाह हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ तो देते हैं ना अनुलोम, वहाँ दे सकते हैं जी सर। तो पढ़ूं आगे का श्लोक? अभी पढ़ पाएंगे क्या कि रुक जाएं? आप बताइए, हम रुक जाते हैं। ठीक है सर। हाँ, तो आप थोड़ा प्रेयर कर दीजिए। सर 2-3 पॉइंट है मस्तु और तक्र के मंड के, ये मैं पढ़ देती हूँ, थोड़ा रिविजन हो जाएगा। ठीक है सर। तक्र प्रयोग में निषेध में जो बताया गया उसमें घाव लग जाने पर अगर व्रण है, उष्णकाल ग्रीष्म तथा शरद दोनों में ही हमारे यहाँ निषेध बताया गया है, दुर्बलता में, मूर्छा की स्थिति में, दाह में, रक्त पित्त के रोगी में, यहाँ पे तक्र का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तक्र प्रयोग के काल में बताया गया है शीतकाल में, अग्निमांड रोग में, कफ जनित विकारों में, स्रोतों की रुकावट में, कहाँ पे भी जहाँ पे भी हम जैसे अर्श में देते हैं वहां पे कहीं ना कहीं स्रोतावरोध होता है, वहां पे दे सकते हैं, तो हमें वहां पे दे सकते हैं। वात के दूषित होने पर तक्र का सेवन उत्तम बताया गया है। तक्र के जो मुख्य गुण है उसमें प्रयोग विधि में बताया गया है सर, वात दोष में अम्ल तक्र में नमक मिलाकर, पित्त दोष में मधुर तक्र में चीनी मिलाकर, और कफ दोष में तक्र में त्रिकटु मिलाकर, ऐसे करके मिलाकर पीने से ये विशेष फायदा देता है सर। और मस्तु के गुण में बताया गया दही का पानी जो हम लोग यूज करते हैं खासतौर से बस्तियों वगैरह में बहुत यूज करते हैं, ये तक्र के समान गुण वाला ही होता है, विशेषकर यह सर स्रोतों का शोधक होता है, विष्टम्भ यानी कब्जियत को दूर करने वाला, पाचन और लघु होता है। तो इसलिए बहुत सारी हमारी बस्तियों में भी हम लोग कहीं ना कहीं तक्र का पानी, ये सॉरी दही का पानी मस्तु, ये हम लोग कई जगह यूज करते हैं। मैम एक वो आता है बच्चों का ड्रिंक याकूट जी, तो ये मस्तु ही होता है।
अच्छा ऐसा है, मैंने तो कभी यूज नहीं किया। मैंने बच्चे पी रहे थे, मैंने कहा ये तुम लोग क्या पीते हो, देखूं जरा उसको। जब मैंने उसको टेस्ट किया तो वो याकूट था, और वो यूजुअली हॉस्पिटल वगैरह में भी बड़े में बच्चों को दे देते हैं, जो हॉस्पिटलाइज बच्चे होते हैं तो उनको वो दे देते हैं, तो वो मस्त ही होता है। और ये कल हम लोगों ने मैम बहुत अच्छे से पढ़ा था कि तक्र को हम लोग किस प्रकार नवनीत आधा दें, या हाँ, मलाई, 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 तो कल हम लोगों ने वो पढ़ा था, वो श्लोक आज रिपीट भी हुआ था मैम। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग दोषों के अनुसार हम लोग तक्र को किस प्रकार यूज करें, उसमें कितना मक्खन छोड़ दें, कितना पूरा निकाल दें, या आधा रखें आधा निकाल दें। मैम घृत के व्यापक जो हो जाता है ना, हम लोग पंचकर्म में जो देते हैं उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जी जी ये भी था मैम, अभी की जो अगर व्यापक हो जाए, इसीलिए अभी ये था ना डिस्कशन हुआ था कि मालपुए वगैरह खाए, ये करता है। और इवन अगर कफज व्याधि है उसके लिए हम लोग जैसे स्नेह पान कराने के पहले पेशेंट को जिसकी उसको पहले रुक्षण कर देते हैं, जैसे कि अच्छे से स्नेह जो है उसको वो पी पाए और हम लोग स्नेह पान अच्छे से करा पाए, तो कुछ रोगियों में जो प्रकृति के और कफज व्याधि है तो हम लोग पहले मठे से तक्र से उसका रुक्षण करते हैं, तो स्नेह व्यापक में भी यूज होता है, रुक्षण के लिए भी यूज किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से बहुत ही हेल्पफुल है। जी मैम, तो मतलब अगर हम इसको ब्रॉडली अगर देखें तो कई पेशेंट आजकल ज्यादातर जैसे गृहिणी रोग हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट में गृहिणी रोग होता है, और गृहिणी रोग में जहाँ पे भी श्रोतावरोध है, जठराग्नि मंद हो गई है, वहां पे एक तरीके से हमारा ये अरुचि को भी ठीक करेगा, श्रोतावरोध को ठीक करेगा, और इवन शोथ के पेशेंट में जहाँ पे बहुत हिस्ट्री मिलती है कि कंटिन्यूस दही का सेवन है, वहां पे उन पेशेंट्स में हम यूज कर सकते हैं। अर्श रोग में तो करते ही करते हैं, और साथ में अगर मतलब कहीं पेन है या मूत्राघात की ऐसी कुछ कंडीशन है तो वहां पे भी इसका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैम हम लोगों ने कल वो पढ़े थे ना डिफरेंट डिफरेंट पाउडर्स, मतलब शोथ का तो इतना अच्छा है कि जब ये गुद प्रदेश का जो शोथ था उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो गुल्म में अलग अलग पाउडर्स हैं जो चूर्ण है उनके साथ मिला के हम लोग इसको यूज करते हैं, तो जैसे हिंगवादी था, हिंगवास्टक था, तो उसका मतलब ये फिर ये गुद प्रदेश में जो शोथ हो जाता है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा। और अतिसार में तो ग्राही है तो देना चाहिए कि नहीं? सर अतिसार में दे सकते हैं सर, मुझे तो लगता है दे सकते, क्योंकि लगता नहीं देना है उसमें बोला है कि करेगा। जी सर ग्राही है इसलिए वो देना चाहिए ऐसे बोला। अच्छा मोनिका मैम, वो पहले लेक्चर में जो मिश्रक नियम का रह गया था वो आप बताइए ना डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम को। मोनिका मैम आप हैं कि चली गई? प्रणाम सर, सर मैंने ग्रुप में डाला सर, यहाँ फेसबुक पे भी लोग सुन रहे हैं ना जो ग्रुप में नहीं। जी सर आप पढ़ के बता दीजिए, मैंने भी जो डाले वो भी पढ़ दीजिए। सर मेन इसमें तीन ही इंग्रेडिएंट्स हैं, आंवला, पिपली और दंती, तीन इंग्रेडिएंट्स हैं सर इसमें। वो आपके एवीएन वाले एवीएस वाले में आयुर्वेद शाला में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बाकी जो मैंने डाले वो पढ़ दीजिए, एक मिनट सर मैं पढ़ देती हूँ। अष्टांग हृदय का रेफरेंस है जो श्लोक है सर। हाँ श्लोक पढ़ दीजिए और कंटेंट्स। जी पिपल्यामलक द्राक्षा श्यामादयी पालकई पचेत एरंड तेल हविषौ प्रस्थौ पपयसी षड गुणे सिद्धो अयम मिश्रक स्नेहो गुल्मिना संसनम हितम। वृद्धि विद्रधि शूलेषु अध्याय 14 श्लोक 89 और 90। इसमें कंटेंट्स बताए हैं पिपली आंवला द्राक्षा श्यामा दंती और द्रवंती। इसमें द्राक्षा दंती और द्रवंती ये अलग है, ये और ज्यादा है ना, द्राक्षा और श्यामा और द्रवंती ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर। और भी नीचे और है दूसरा देखिए स्क्रीनशॉट। क्रमुक है उतरना, हाँ क्रमुक है ओपरकुलना टर्पेथम कुटरना, हाँ शंखिनी सप्तला स्वर्णक्षीरी गवाक्षी शिखारी रजनका छिन्नरूहा करंज बसंत तारी नहीं बस्तंत्री व्याधिघात बहला बहुरसा तिक्षु तिक्षुणा वृक्ष तिक्षुण वृक्ष एरंड तेल हविषा पय
काउ मिल्क द अबव कॉम्बिनेशन इज हीटेड टिल हर्बल घी इज प्रिपेयर्ड, इसमें घी को बनाया जाता है। हाँ, और इन्होंने जो नाम रखे है ना वो पर्याय नाम है। अब जैसे बहला है तो मोरिंगा ओलिफेरा, शिग्रु है, शिग्रु का पर्याय नाम बहला है। जी जी, उसके बाद में सर इसमें है ना मिश्रक स्नेह में बेसिक तो ये है कि ये ऑयल और घी का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो इसमें जैसे एरंड तेल है और साथ में इसमें घी में पकाया गया, तो ये इसको जो दोनों को मिलाया जाता है इसलिए इसको मिश्रक स्नेह बोला जाता है। और इसमें शंखिनी, सप्तला, ये सब गवाक्षी, ये सब विरेचन करने वाले द्रव्य है, तीक्ष्ण विरेचन। बिल्कुल डॉक्टर मिनल मैम, आपको देखिये आपके लिए स्पेशल दिया गया है, आप पूछ रही थी ना। ठीक है, आप मैम मोनिका मैम आपको प्रेयर कर देंगे प्लीज। जी सर, मैं श्लोक बोल देती हूँ सर। हाँ जी। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वस्ने देवी, पर्वस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व मे। जी, और कोई कुछ करना चाहता है तो करिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। आज अंजना मैम की याद आ रही। हाँ बोलिए मैम। अंजना मैम की डॉटर आई हुई है तो थोड़ा बिजी होंगी। और मोनिका मैम बहुत प्यारा आपने सुबह सुबह पढ़ा, वैसे सेशन एंड करते हैं। हाँ कर देते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सभी को।